भगवान के वाक्य दर्शन किए। भगवान के कुल कितने विवाह माने गए हैं? सोलह हजार एक सौ आठ। लेकिन पूर्ण रूप से विवाह केवल रुक्मणी जी के साथ हुआ, बाकी सब किसी ना किसी कारण से भगवान के नाम दिए गए हैं। बट फिर भी कहा जाता है कि भगवान के 16,108 विवाह हुए। उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सत्रदिक नामक राजा थे, उन्होंने सूर्यनारायण भगवान की तपस्या करी, उनको प्रसन्न किया, तो सूर्यनारायण भगवान दर्शन देने आते हैं। अब उन्होंने कहा कि क्या चाहिए वरदान में? बोले वरदान नहीं चाहिए, मैंने तो बस दर्शन के लिए तपस्या करी थी। ऐसे भक्त कम मिलते हैं, तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो सूर्यनारायण भगवान अपने गले में एक मणि पहनते थे, उस मणि का नाम था समयंतक मणि। कौन सी मणि? तो उन्होंने वो उतार कर राजा को पहना दिया, चले गए। अब मनुष्य का स्वभाव है कि अगर उसके पास कोई कीमती वस्तु है वो उसका दिखावा बहुत करता है। हर कोई करता है, कोई बहुत करेगा, कोई थोड़ा करेगा, पर करेंगे सब। जैसे मान लीजिए कि महिलाएं हैं, अगर इन्होंने कोई अच्छी चूड़ियां पहनी है या अंगूठी पहनी है, उस दिन इनकी सारी बातें हाथों से होंगी। अगर साधारण दिनों में वो ये कहेंगी कि भाई कहाँ गए थे या यहाँ रख दो, और जिस दिन हाथ में अंगूठियां चूड़ी होगी कोई नहीं, तो उस दिन कहाँ गए थे यहाँ रख दो, है ना, बार बार। या फिर गले में कोई सुंदर हार पहना होगा तो बार बार उसको ठीक करेंगे, है ना। हाँ अब भी कम नहीं है, ये महंगे महंगे फोन खरीदते हैं तो नया नया फोन लेके बाजार में जाएंगे। अब ना फोन आया होता है ना मैसेज आया होता है, लेकिन जैसे ही आसपास लोग दिखते हैं जबरदस्ती जेब से बाहर निकालेंगे। करते हैं कि नहीं, कि सामने वाला देखे कि भाई हाथ में अच्छा फोन है, भाई महंगा फोन है। यानी दिखावा सब करते हैं, कोई थोड़ा करता है, कोई बहुत करता है, पर करते, ये स्वभाव है मनुष्य का। तो अब इतनी सुंदर मणि, इतनी कीमती मणि, एक देवता की मणि है उनके पास। अब वो जहां भी जाए वो मणि पहन कर जाए, और जैसे ही आसपास लोग आए वो बार बार मणि को ठीक करने लगे, सीधा करे उल्टा करे, सीधा करे उल्टा करे। अब इतना करो तो सामने वाली की दृष्टि तो पड़ेगी, और दृष्टि पड़े तो वो मणि थी इतनी सुंदर कि लोग तारीफ करते, अरे कितनी सुंदर मणि है, तारीफ करते तो उनको बड़ी खुशी मिलती। अब एक बार वो एक सभा में गए तो वहां कई राजा आए हुए थे, तो अभी तो भगवान भी लीला कर ही रहे हैं, तो भगवान भी एक राजा है, भगवान भी आए। अब भगवान आए तो सत्रदिक राजा ने वही हरकत करी, आसपास जैसे ही लोग आए वो बार बार मणि को ठीक करने लगे। भगवान की नजर पड़ी, भगवान को हंसी आ गई, क्योंकि देखिए ये देवता की मणि है, ये एक आशीर्वाद है। बाकी चीजों का दिखावा करना चलो बनता है, पर जब कोई आपको आशीर्वाद स्वरूप चीज मिलती है तो उसको संभाल के रखा जाता है, उसका दिखावा नहीं किया जाता। तो उन्होंने वो दिखावा करने लगे तो भगवान को हंसी आ गई कि कितना मूर्ख है, जो चीज संभाल के रखनी चाहिए उसका ये दिखावा कर रहा है। अब भगवान को हंसी आ गई तो भगवान हंस दिए तो उसने देख लिया, उसको अच्छा नहीं लगा, उसके मन में आया कि मुझसे जल रहा है,